मिस्टर विवेक जी, डॉक्टर बेदी, या मैंने राधिका की रिपोर्ट देखी है। आई एम गोइंग टू हैव एन इमीडिएट ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा? अभी कुछ कह नहीं सकता। राधिका ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी मैं आप लोगों को कोई तसल्ली नहीं दे सकता। भैया, आप ऐसा सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? ऑपरेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और राधिका भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, है ना डॉक्टर? नो मिस्टर देव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? राधिका की हालत बहुत नाजुक है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको अंदाजा भी है कि वो किस दर्द से गुजर रही है। अरे, कुछ मरीज तो दर्द से बीच राह में हार जाते हैं, और हम लोग जो सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर देव, जलने वाले का दुख वही समझ सकता है जो खुद जला। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो दुआ कीजिए कि इस ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। चेक करो, व्हाई शी सिंकिंग? हर स्किन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो। नर्स, ऑक्सीजन फास्ट। जरा हटिए हटिए प्लीज। जरा हटिए हटिए प्लीज। डॉक्टर, नर्स ब्लड लेके आइए फास्ट। सब ठीक तो है? घबराइए मत, इस तरह के ऑपरेशंस में कई बार पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। राधिका की कंडीशन बहुत खराब है, पल्स प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, एक्सक्यूज मी। मैं आपको राधिका को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अब वो मेरी पत्नी है। जिंदगी और मौत के साथ जंग जो वो लड़ रही है, उसमें वो अकेली नहीं है। उसकी सांसों के लिए मैं लड़ूंगा आपसे, और आपको मुझे उसकी जिंदगी देनी होगी। जब तक राधिका पूरी तरह मौत के मुंह से बाहर नहीं आ जाती, तब तक मैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करूंगा।
जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आपको अंदाजा भी है कि वो किस दर्द से गुजर रही है। मिस्टर देव, जलने वाले का दुख वही समझ सकता है जो खुद जला। राधिका का दर्द अब मैं भी सहूंगा काना, और आपको हमें उस दर्द से मुक्ति दिलानी होगी। जिंदगी और मौत के साथ जो जंग राधिका लड़ रही है, उमा जीत मौत की ही होवे का चाहिए। आपने राधिका का ब्याह तो आधा नहीं रखवाया, तो फिर मुर्किया काज काहे अधूरा छुटवा रहे हो ठाकुर जी? मुझको कसम है ठाकुर जी, हम यहां पूजा करती रहेंगी तब तक जब तक आप राधिका की सांस छीन नहीं लेते। देख रहे हैं आप ये पागलपन? इसे तो खुश होना चाहिए कि राधिका यहाँ इस हालत में है, तो ये यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रही, प्रार्थना कर रही। आज मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तो सिर्फ हाथ जलेगा ना। राधिका तो पूरी जली है, उसके दर्द के आगे मेरा ये दर्द कुछ भी नहीं है।
कान्हा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी कान्हा? या फिर आप संसार को बताना चाह रहे हैं कि आपके भक्त हमेशा कष्ट सहते रहेंगे? मुझे पता है तुम्हें किस पीड़ा का अनुभव हो रहा है। जब भी तुम्हें कोई सुख मिलने वाला होता है वो तुमसे छिन जाता है, पर ये परीक्षा तो हर भक्त को देनी पड़ती है। इन परीक्षाओं का कब अंत होगा काना? इतिहास गवाह है राधिका, मेरे भक्तों का जीवन कभी सरल नहीं रहा। उन्हें आजीवन परीक्षाएं देनी पड़ी हैं, और मैं सुख भी देता हूं और दुख भी देता हूं, क्योंकि दुख मेरे लिए किसी बहुमूल्य वस्तु से कम नहीं है। इसलिए मैं दुख अपने भक्तों को बांट देता हूं, पर मैं जानता हूं कि वही इसे सहेज के रख सकते हैं। बस एक बात याद रखना राधिका, तुम्हारे हर दुख हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दुख से मेरे अपने भी दुखी हो रहे हैं कान्हा, क्या आपको उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मैं सबके आंसू देख रहा हूं राधिका, और समय आने पर उन्हें इसका फल भी मिलेगा। धीरज धरो, प्रतीक्षा करो। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है कान्हा, मुझसे और धीरज नहीं धरा जा रहा। मुझे अपने साथ ले चलो। कैसे ले चलूं राधिका, तुम्हें देव ने अपने प्रेम से बांध रखा है। मैं तुम्हें देव से नहीं छीन सकता, तुम देव की पत्नी हो और देव तुम्हें स्वयं से कभी अलग नहीं होने देगा। कुछ नहीं होने दूंगा राधिका, तुम्हें मुझसे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। राधिका कहाँ है? भैया आप ऐसी हालत में? बिरजू मेरी बात का जवाब दे, राधिका कहाँ है? भैया वो अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर भी बहुत देर से बाहर नहीं आए, हमारे ख्याल से हालत अभी भी नाजुक है। नहीं बिरजू, मैं जानता हूं राधिका ठीक हो गई है। वो खतरे से बाहर है।
डॉक्टर साहब, राधिका अब खतरे से बाहर है। चिंता की कोई बात नहीं, वो अब ठीक है। डॉक्टर, पहले सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी, अब सब कुछ कंट्रोल में। आपकी बेटी को दुआओं ने बचा लिया देवकी जी। मेरी बेटी को उसके सिंदूर ने बचाया है डॉक्टर साहब। आपकी बेटी आती होगी जी। राधिका ठीक हो गई। अब वो खतरे से बाहर है। आप देखिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कह रहे थे कि राधिका को दुआओं ने बचा लिया, पर माँ कह रही थी कि राधिका को उसके सिंदूर ने बचाया है। सच अम्मा, राधिका को देव के प्यार ने बचा लिया।